Drop it. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एमडी परजन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इलाहाबाद इंटरनेट बैंकिंग से बैलेंस कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करना सकते हैं, घर बैठे इलाहाबाद बैंक का मोबाइल नंबर कैसे चेंज करना कर सकते हैं दोस्तों, और दोस्तों घर बैठे एटीएम कैसे मंगा सकते हैं, तो इस तीनों वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग वाले वीडियो पे मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है विपुल यादव, उन्होंने सवाल किया था कि घर बैठे दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग और ईएम पावर से कैसे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और क्या चार्ज कटेगा दोस्तों, कितना ट्रांसफ़र एक दिन में कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं इंटरनेट बैंकिंग से इलाहाबाद बैंक के मनी ट्रांसफ़र फंड ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं किसी के भी अकाउंट में घर बैठे और कितना चार्ज करेगा और एक दिन में कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रांसफ़र करके पूरा दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे आप पैसा भेज सकते हैं इलाहाबाद बैंक के इंटरनेट बैंकिंग से किसी के भी अकाउंट में दोस्तों। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ और इस वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। चलिए, मैं इंटरनेट बैंकिंग से पैसा भेजने का पूरा सवाल का जवाब भी देने वाला हूँ, एक एक स्टेप क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूँ, जैसे इंटरनेट बैंकिंग से आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वैसे ईएम पावर से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दोनों का सेम प्रोसेस है दोस्तों। तो चलिए सिंपली दोस्तों, अगर आपको जानना है इलाहाबाद बैंक का ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से पैसा कैसे ट्रांसफ़र करना है, क्या चार्ज करता है, कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो मेरे साथ और इस वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए सिंपली चलते हैं, मैं अपने लैपटॉप पे चलता हूँ दोस्तों। आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए सिंपली वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब करें एमडी परजन यूट्यूब चैनल को ये लाल बटन दबा के दोस्तों, और इस घंटी को, इस बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उस वीडियो को टाइम से आप देख सके दोस्तों। और अपना प्यार बनाए रखने के लिए इस लाइक के बटन को जरूर दबा दें दोस्तों। यहाँ दोस्तों देख लीजिए, मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों, अगर आपको मोबाइल में ओपन करना है तो मोबाइल में कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट का नाम देख लें दोस्तों, www.allahabadbank.in, यही वेबसाइट है दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। और यहाँ HTTPS जरूर देख लें क्योंकि अभी बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है दोस्तों। तो सिंपली ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ लिखा है डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग में जाएंगे तो यहाँ ऑनलाइन बैंकिंग है, तो सिंपली ऑनलाइन बैंकिंग पे क्लिक करके ओपन कर लेना है दोस्तों। ऑनलाइन बैंकिंग जैसे ओपन करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सिंपली यहाँ है पर्सनल बैंकिंग और कॉरपोरेट बैंकिंग, तो सिंपली आपको पर्सनल बैंकिंग पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसका सिंपली यहाँ से कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ है पर्सनल बैंकिंग लॉगिन, यहाँ यूज़र आईडी जानना है इंटरनेट बैंकिंग का दोस्तों, और उसके बाद पासवर्ड। तो चलिए मैं दोनों चीज़ डाल लेता हूँ फटाफट दोस्तों, उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं दोस्तों। यहाँ फिल कर लिया, फिल करने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए, इंटरनेट बैंकिंग का पेज, होम पेज जो होता है दोस्तों, वो ओपन हो गया। यहाँ आपका नाम लिख के आएगा दोस्तों, उसके बाद डेट और टाइम भी लिख के आएगा, और कब आप लॉगिन किए पूरा डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद सिंपली चलना है दोस्तों, आपको यहाँ से अकाउंट सर्विस है, उसके बाद नीचे आपको दिखेगा पेमेंट फंड ट्रांसफ़र। तो सिंपली आपको पेमेंट फंड ट्रांसफ़र करना है, तो सिंपली यहाँ पेमेंट फंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा बेनिफिशियरी मैनेजमेंट, जैसे अगर आप किसी को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं विथ इलाहाबाद बैंक में, अगर फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, पैसा भेजना चाहते हैं इलाहाबाद बैंक में, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर पैसा भेजना चाहते हैं अदर बैंक में, तो अदर पर क्लिक करना है दोस्तों। डोनेशन है, और भी RTGS NEFT करना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से अगर आपको महीना टू महीना कहीं पेमेंट भेजना है, तो यहाँ आप सेचुअल पेमेंट इंक्वायरी में जा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद चलिए, मुझे भेजना है फंड ट्रांसफ़र अदर बैंक में, तो सिंपली अदर बैंक पे आपको जाना है। अगर इलाहाबाद बैंक में ही ट्रांसफ़र करना है, तो आपको यहाँ लिखा है फंड ट्रांसफ़र विथ इलाहाबाद, और अगर बेनिफिशियरी ऐड करना है, किसी का नाम ऐड करने के बाद आपको पैसा भेजना है, तो सिंपली फर्स्ट वाले में जाना है। किसी अदर बैंक में भेजना है तो तीन नंबर पे चलते हैं दोस्तों, फंड ट्रांसफ़र अदर बैंक, तो सिंपली इस पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस दोस्तों, उसके बाद है RTGS NEFT फंड ट्रांसफ़र।
तो दोस्तों अगर इमीडिएट पेमेंट सर्विस से आप करते हैं तो आपका जैसे भेजेंगे वैसे आपका पेमेंट चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको दिखा दूँ, नीचे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आरटीजीएस करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 8 बजे से लेकर 4 बजे का टाइम मिलेगा। एनईएफटी करना चाहते हैं तो 8 से 6 PM तक कर सकते हैं। अगर इमीडिएट पेमेंट सर्विस करना चाहते हैं ये तो दोस्तों ये रेगुलर खुला ही रहता है। उसके बाद यहाँ आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं दोस्तों। ट्रांजेक्शन आरटीजीएस का पूरा डिटेल्स नीचे आपको लिखा है दोस्तों। इमीडिएट पेमेंट सर्विस का यहाँ लिखा है आपको दोस्तों एक दिन में कितना करना है, 1 लाख से 2 लाख तक यहाँ कर सकते हैं दोस्तों इमीडिएट पेमेंट सर्विस से ट्रांसफ़र। दोस्तों चलिए सिंपली दोस्तों यहाँ क्लिक करते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस पर। उसके बाद दोस्तों आएगा यहाँ क्विक इमीडिएट पेमेंट सर्विस, उसके बाद है इमीडिएट पेमेंट सर्विस बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। जैसे आपके अकाउंट में अगर किसी का अकाउंट ऐड कर रखे हैं पैसा भेजने के लिए, उसे कहते हैं बेनिफिशियरी। अगर तीसरे आदमी का अकाउंट आप अपने इंटरनेट बैंकिंग पे ऐड कर रखे हैं तो सिंपली यहाँ जाएंगे, उसके बाद आपको कोई भी फिल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप नए यूजर को भेजना चाहते हैं तो सिंपली क्विक इमीडिएट पेमेंट सर्विस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस फंड ट्रांसफ़र अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर। तो आपके पास अकाउंट नंबर पे सेंड करना है तो अकाउंट नंबर पे चले जाइए, अगर मोबाइल नंबर पे करना है तो मोबाइल नंबर पे चले जाइए। तो मुझे मोबाइल नंबर से नहीं करना है, अकाउंट नंबर से करना है, तो सिंपली अकाउंट वाला सिलेक्ट रहने दीजिए, उसका सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ लिख भी दिया जाएगा, देखिए ट्रांजेक्शन लिमिट है, देखिए यहाँ लिख रहा है 1 लाख। उसके बाद ट्रांजेक्शन अमाउंट डेली का आप 2 लाख तक भेज सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको बता दूं इसका चार्ज ज़्यादा नहीं करता। अगर आप 50,000 रुपया ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 2 से 4 रुपया ही कटेगा, उससे ज़्यादा नहीं कटता है दोस्तों। तो चलिए सिंपली यहाँ से जो भी अकाउंट में सिलेक्ट करना है तो सिंपली यहाँ सिलेक्ट अकाउंट टाइप, कौन सा सामने वाले का अगर जिसको भेजना चाहते हैं उसका कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट है, कैश है या लोन है। तो यहाँ मेरा सेविंग अकाउंट पे भेजना चाह रहा हूँ तो सेविंग अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ आपको उसका अकाउंट नंबर ऐड करना है, तो चलिए उसका अकाउंट नंबर मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ से अकाउंट नंबर ऐड करना है, अकाउंट नंबर ऐड करने के बाद दूसरे नंबर पे आपको आईएफएससी कोड होना चाहिए, आईएफएससी कोड ऐड कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ अमाउंट ऐड करना है, कितना अमाउंट भेजना चाहते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको ऐड करना है फ्रॉम अकाउंट, आप अपने अकाउंट से भेजना चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ है रिमार्क्स, जैसे आप किस रीजन से भेजना चाहते हैं वो रीजन लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग का आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है, तो सिंपली नीचे में इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है। तो चलिए मैं सब कुछ फिल कर लेता हूँ फटाफट। दोस्तों देख लीजिए यहाँ मैं सब कुछ फिल कर लिया हूँ, अकाउंट नंबर यहाँ सेविंग अकाउंट अकाउंट नंबर डाल लिया हूँ, आईएफएससी कोड अमाउंट। उसके बाद दोस्तों आप अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद जो लिखना है किस रिलेटिव से भेज रहे वो लिख लिया, उसके बाद ट्रांजेक्शन पास हो रहा है, यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा सबमिट, तो सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप सबमिट पे दोस्तों क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों, और वेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ डिटेल्स मिला ले, कोई भी चीज़ गलत है तो कैंसिल कर ले, उसके बाद सब कुछ सही है तो सिंपली आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा दोस्तों, तो सिंपली यहाँ ओटीपी डाल दें दोस्तों। जो भी आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा तो सिंपली यहाँ ओटीपी डालना है, ओटीपी डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे प्रोसेसिंग होगा दोस्तों, प्रोसेसिंग होने के बाद दोस्तों ये आपको स्टेटस बता दिया जाएगा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों। तो देख लिए दोस्तों यहाँ ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल लिख दिया है, तो सिंपली ये अकाउंट नंबर है दोस्तों, अब मैं जितना अमाउंट सेव सेंड किया हूँ सब कुछ है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। इस तरह का और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए एमडी परजेंट यूट्यूब चैनल को इस वीडियो के नीचे लाल बटन मिलेगा उसको दबा के सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और दोस्तों इस बेल आइकन को इस घंटी को जरूर दबा दे ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और वीडियो आप टाइम से देख सके दोस्तों। और इस लाइक के बटन को जरूर दबा दे दोस्तों, तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों, और आपका कुछ भी सवाल हो कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट जरूर करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, थैंक यू दोस्तों।